बुरहानपुर के ऐतिहासिक खेल असीरगढ़ में पिकनिक मनाने पहुंचे लोगों पर मधुमक्खियां कहर बनकर टूट गई। पूरी घटना का वीडियो और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ईद के मौके पर खंडवा, बुरहानपुर और आसपास के क्षेत्र के कई लोग पिकनिक मनाने असीरगढ़ के किले पर पहुंचे थे, तभी अचानक मधुमक्खियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पूरी घटना शुक्रवार शाम 6:30 बजे की है। इस घटना में लगभग 35 लोग घायल हुए हैं। घायलों को पहले नजदीक में स्थित निम्बोला स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसके बाद उन्हें बुरहानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार बड़ी मात्रा में लोग पिकनिक मनाने असीरगढ़ पहुंचे थे। अन्य जगहों से आए हुए लोग अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से भाग निकल गए। निम्बोला थाना प्रभारी राहुल कामले ने बताया, शाम 5 बजे ही कुछ लोगों को ताकीद कर दी गई थी, किले के गेट बंद होने का समय हो गया है। हालांकि लोग नहीं माने, किले का गेट शाम 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन लोग करीब 6:30 बजे तक भी नीचे नहीं आए। इसी बीच किसी असामाजिक तत्व ने मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ दिया। इस दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और भागदौड़ मच गई। किला परिसर में मस्जिद के पास 3 पेड़ हैं, इसमें किसी असामाजिक तत्व ने छेड़छाड़ की, तभी मधुमक्खियों के छत्ते से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। करीब 30 से 35 लोग घायल हुए हैं। निम्बोला थाना प्रभारी राहुल कामले अपने वाहन में कुछ लोगों को निम्बोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जबकि कुछ को बुरहानपुर लाया गया। घायलों में 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग वहां खाना बना रहे थे और धुआं कर रहे थे, इसी बीच किसी ने पत्थर भी मारा था। डॉक्टर देवेंद्र झरनिया ने बताया कि 8 लोग अब तक जिला अस्पताल पहुंचे हैं। अब इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। क्या ईद का त्यौहार है, सब अपने अपने घर से दोस्त लोगों के साथ पिकनिक मनाने गए थे आसिर किले के ऊपर। मधुमक्खियों के कुछ छत्ता लगा होगा, शहद वहद कुछ ने हरकत करा नहीं करा, तो उसमें 30-35 लोगों को शहद की मक्खियों ने काटी। बड़ी गंभीर विषय है, शहर के बहुत सारे लोग हैं, बाहर के भी हैं, कुछ लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए। तो अभी अस्पताल में क्या इलाज करवा रहे हैं? इलाज लगे, सब डॉक्टर लगे हुए हैं, सब भागा दौड़ी चालू, हम भी लगे हुए उसके अंदर। हाँ, डॉक्टर साहब से बात हो गई, MLC सब बना रहे हैं, इलाज चालू होगा अच्छे से। बस वहाँ जो फंसे हुए वो थोड़ी तकलीफ का काम है, उसमें भी पुलिस पुलिस लगी हुई है भागा दौड़ी में। यार हमको आधे घंटे पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी, असीरगढ़ के पास में शायद कुछ लोगों मधुमक्खी का कुछ हमला हुआ है। अब टोटल उन लोगों ने तो ज़्यादा बताया था हमको वैसे, पर हमारे पास अभी 8 के लगभग लोग हैं, 8-9 लोग हैं, इनको काटा है। थोड़े बहुत ज़्यादा सीरियस वाले नहीं है, एक जो है जिनको उल्टी उल्टी ज़्यादा हो रही है, बाकी सबको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है, अभी सब स्टेबल है। वैसे कहाँ से आई ये असीरगढ़ के आसपास बता रहे हैं यार, कुछ कितने लोगों की जानकारी लगी घायल होने में? सुनने में आया था, जो फ़ोन आया था उसके हिसाब से तो 30-35 बोल रहे थे वो, लेकिन हमारे पास अभी 8-9 लोग हैं आए हैं यहाँ तक। अभी आ रहे हैं, आ सकते हैं अगर आया। डॉक्टर देवेंद्र झड़ानिया। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।